आगे लेकर के जा रहा हूँ बिकॉज 31 दिसंबर सब डेड हो जाते हैं 1 जनवरी को. सो ये फर्स्ट मंथ है जनवरी का, नाम है कैप्रिकॉर्न. सो मैंने थीम रखी है बोहो हिप्पी, जो कि बहुत फ्री फन लविंग वेरी क्रिएटिव. दो आई एम अ डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट, तो मैं सोच रहा था कि जो अभी तक मैंने बर्थडे पे नहीं रखा है वो थीम रखूँ. तो आप देख ही सकते हो कि कितना क्या क्या पहन लिया है मैंने. सो दिस इज़ अ थीम, इट्स बोहो हिप्पी, वेरी फ्री फ्लोइंग फन. यू कैन बी जस्ट योर सेल्फ, क्रिएट समथिंग न्यू एंड कम आउट एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम. द थीम इट्सेल्फ इतनी डिफरेंट है कि आपको अभी जब गेस्ट आएंगे तो आप देख सकते हो कि वो किस तरह से ड्रेसअप होकर के आ रहे हैं. स्पेशली गर्ल्स, जो मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया है तैयार होने के लिए. एंड बोहो हिप्पी इज़ वेरी कैजुअल, वेरी गोवा, वेरी शॉर्ट ड्रेसेस, फेदर्स, हेड गेयर्स, कलर्स. सो यू विल गेट टू सी लॉट्स वेरी मोर क्रिएटिव आउटफिट, सेक्सी गर्ल्स एंड हॉट मैन. Told you like 31st the year ends and everybody become very sober. So being January the first month of the year, so I thought let's take it forward and keep it the theme very Goa, very boho, very hippie. So that's the thing. And being a stylist and designer myself, I wanted to create something very unique which has not been done and I have not done for any of my birthday. Obviously unka birthday hai to pehle birthday hi wish karunga. So I really want to wish Vihan Shah very very हैप्पी बर्थडे एंड अ वेरी सक्सेसफुल ईयर है. इंशाल्लाह उनके सारे सपने और भी पूरे होंगे और कामयाबी को नई हाइट्स को छुएंगे. आज उनकी थीम इट्स म्यूजिकल एंड इट्स समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अभी तो पार्टी शुरू हुई है. सो आई एम होपिंग इट्स गोना बी रियली कलरफुल, इट्स गोना बी रियली कलरफुल एंड इट्स म्यूजिकल. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हाउ इट इज. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. सबसे पहले रेहान को बहुत 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 ज़्यादा विशेष मेरी तरफ से. आज उनका बर्थडे है सो मैं उनको बर्थडे विशेष में एक गाना सुना सकता हूँ. ये गाना सुना सकता हूँ जो मेरा गाना आने वाला है वो मैं उनको डेडिकेट कर सकता हूँ, जिसका नाम है हाई क्रश. सुनता जरात दी भला मुखड़ा तेरा चन ही निरा गोरी गोरी तू आपे पट लूं क्रेजी में होया तकता जरा सुनता जरात दी भला मुखड़ा तेरा चन ही निरा गोरी गोरी तू आपे पट लूं क्रेजी में होया तकता जरा. रेहान ऐसे आप हर साल बर्थडे मनाते रहो, हर साल आगे बढ़ते रहो, मेरी यही विषय है. थैंक यू. रेहान मेरा ऑलमोस्ट लाइक 8-10 साल पुराना दोस्त है, मतलब ये कह सकते हैं कि बचपन के दोस्त हैं हम लोग. एंड रेहान का बर्थडे एक साल में एक बार आता है और मैं अभी एक अपने दोस्त को बोल ही रहा था कि जब उसका बर्थडे साल में एक बार आता है एंड इट्स अ ग्रैंड पार्टी, इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड सुबह तक हम लोग पार्टी करते हैं. एंड ऑब्वियसली रेहान, मैं और जितने भी हम दोस्त हैं जो भी हमारा सर्किल है, वी आर नोन टू वर्क रियली रियली हार्ड एंड रियली रियली पार्टी हार्डेस्ट. हाँ, अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया, इट्स अ वेब वीडियो, इट्स अ वेब वीडियो एंड इट्स कॉल्ड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन. वी हैव पिक्ड अप a cover of Shania Twain, who's a very big singer in Hollywood, and we have taken Anmol Chaudhary. I have produced and directed it. I am not acting in that for a change. It's a romantic video of a young married couple. Gothic theme hai, married theme hai. They both are married and Catholic theme hai uska. And Anmol Chaudhary and a new guy we are introducing called Kunal Thakur. So it's a beautiful video. Hum 1st February ko usko release kar rahe hain and I'm sure I'll call all of you for the launch and wish us all the best. Valentine's fever is on from 1st February. इसकी बहुत ही खास रही है. मेरी बहन, मेरी एल्डर सिस्टर भी उनकी बहुत ही खास दोस्त है, तो हम मेरी बहन की भी शादी पर बहुत मिले थे. तो वी जस्ट कीप मीटिंग एंड दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप इज ऑलवेज जस्ट ग्रोन एंड ऑलवेज ब्लूम्ड. एंड एक जो वाइब होती है रेहान से आती है, बहुत पॉजिटिव आती है. एंड आई थिंक इज जस्ट अमेजिंग एट व्हाट एवर ही डज. एक्सट्रीमली फैशनेबल एंड प्योर एट हार्ट. तो ऑब्वियसली ऐसे इंसान के लिए मुझे आना ज़रूरी ही था. आई एम हियर फॉर रेहान और रेहान भी मेरे बर्थडे पे आए थे. तो वी जस्ट लव ईच अदर एंड आई हैड टू बी हियर. आई जस्ट लव हिम ऑनेस्टली. जैसे कि मैंने कहा कि हम दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया है, तो मैंने ज़्यादा ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने ज़्यादा उनका काम नहीं देखा है. और अगर मैं उन्हें पूछूँ कि उन्होंने मेरे डेली शो कितने देखे हैं, तो उनका जवाब भी यही होगा कि उसने आज तक मेरा डेली शो कोई नहीं देखा है. तो हम एक दूसरे के काम के हिसाब से एक दूसरे से कभी दोस्ती नहीं कर पाए.
तो शायद इसलिए हम और भी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हमेशा इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं तो हमेशा इंडस्ट्री की बातें होती है जो मेरे हिसाब से बहुत बोरिंग होती है, तो मेरे और रिहान का टेंशन ही कुछ और ही है। मैं तो अभी कर रही हूँ रिश्ता लिखी में, हम नया बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों की व्यूज़ और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से। थैंक यू सो मच, आई लव हर एंड शी इज़ ऑल्सो महाराष्ट्रियन लाइक मी, सो इवन व्हेन बिग बॉस स्टार्टेड आई वाज लाइक जिंकणार का शिंदे मैडमच, सो आई वॉज ऑलवेज लाइक ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स हर एंड शी इज़ वन इट, सो आई कांट बी एनी मोर प्राउड लाइक आई। Rian has been one of my best friends for more than 10 years now, so we wanted to be hosting his birthday at Off the Grid. So I wish him all the luck in life and I want him to stay the happy-go-lucky boy he is always. Very difficult theme actually, it's like a boho hippie theme, so you know, to dress up like a hippie in Bombay sometimes is like, you know, you cannot relate to, but I'm so glad that everybody is dressed that way and they're enjoying dressing that way. I'm hosting this party for him, I think that's like the biggest gift from Off the Grid to him. Thank you. Rehan, we actually all would like to say happy birthday first and be the way you are, because he is mad and crazy and I think he should live the way he is. I know him since like donkey's years and he's not changed. So वो अपने दोस्तों पर हक जताता है कि नहीं पहुँची ना तो देख लेना. So he is that धमकी वाला for friends and I think he should be the way he is. I met Rehan in Telechallenger Langkawi, Malaysia, when we went to Malaysia, and it's been more than 1 year I know Rehan, and Rehan हमेशा टच में रहता है और उसने मुझे बोला कि अगर आज आप नहीं आए मेरे बर्थडे में तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. सो आई वाज एक्चुअली वेरी स्केयर्ड एंड आई टोल्ड जस्सी, बहुत सालों से जस्सी जानती है, शी इज लाइक नहीं 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 वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट येस लेट्स मेक अ प्लान एंड गो टुगेदर फॉर हिज बैश, सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी आर हियर ऑल डेक्ड अप एंड ड्रेस्ड अप फॉर द थीम. या इट वॉज अ लिटिल बोहो, सो आई सॉ हर दिस, सो आई सेड ओके आई शुड ऑल्सो यू नो गेट समथिंग बोहो, सो आई गॉट दिस वन. Oh, trust me, I so wanted to get the dreadlocks done and this and that, but me, I never get ready, but for Rehan, and this was something really easy and I had few things, I said, I think I'll be fine tonight. Yeah, that's what I said, that I wanted to be, you know, I don't like to decked up a lot in this kind of parties, so I felt that I should do something which is very casual, but at the same time, very, you know, very contemporary and very boho. So I wore this dress, which is a little beige, but I thought that I should combine this because it gives a little boho look and it's a little red, which looks good with beige. So I said, "Theek hai, this looks cool," and she said that it's looking nice, so let's go for it. यकीन करते लोग मुझ पर, देखो. Of course, she is always, you know, always there to help and always telling कि ये करो वो करो, so it's good to have good seniors around you, you know. I want to wish him all the best, a lot of colorful, joyful designs and good life ahead, and laughter, success, lots of money and love. I love them, and although I can't wear all of them, so I try to ask him ki jo bach jata hai na wo mujhe de dena. See, I'm a very simple person, you might have seen in Big Boss that I'm very simple, and I'm very simple person, so maine chuna ki no hippie gypsy, so I have just got this ki black mein ye acha hai, simple raho, khush raho, designs to aate rehte hain, har cheez to aata rehta hai, but simplicity works and wins. Rian is very funky ka hai, jise give us जो बर्थडे का जो कॉन्सेप्ट है वेरी फंकी फंकी, सो हीज ऑलवेज लाइक दिस, यू नो इन पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो लाइक फंकी फंकी, एंड ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी स्वीट पर्सन, इज नॉट अग्रेसिव एंड वेरी स्वीट एंड वेरी डाउन टू अर्थ, एंड ही इज वेरी लविंग पर्सन ऑल्सो, वी नो ईच अदर लास्ट 15 ईयर्स बैक, विल स्टार्ट द कैरियर टुगेदर, मी रोहित बॉबी डार्लिंग एवरीबडी विल स्टार्ट द कैरियर टुगेदर. He's planning for some shows and all. Let's see, we'll work together. I'll perform. Uske faisle show mein perform karungi, dekhi dekhi. Oh, first of all, I would like to wish him like happy birthday. I'm so happy ke I made it this year, uske birthday ke liye. Aur last year I couldn't make it. And the party is good. It's rocking. We all are having fun. And what a amazing year 2018. So yeah, happy new year to everyone.
yes, my love. That's very important, and I support him, I love him, I'm here for him, and he styles me for a lot of my projects. So yeah, he's a good friend, and I'll always be there for him. Yeah, I have this Marathi movie coming up, so that I've just signed, and I have a very big Marathi item song also. The title is Hero, and this year I'm looking for another reality show. So that is in the pipeline. No, it's too early to wait for 1-2 months. Honestly, I just entered. I wish Rehan for his birthday. And I'm again saying all the best and all the luck and love and success to Rehan on this day and on in future, forever. The way he was dressed up, he looked like a birthday boy surely. All feathery and all that. Very in and very innovative. So yes, he's a designer and stylist. So of course he's going to come up with all these innovations that he could. But for feather weather and all that was looking pretty cute. Yeah.